ठीक है गाइस, अभी वो आ गया तो इसके बाद हम चलेंगे स्टॉल देखने। मम्मी डैडी बच्ची बनी हुई है, पहचानी नहीं जा रही। पहचानने ये लोग मम्मी कह रही है कि हम ऐसा इसका खाएंगे कि तुम्हें मजा आए, बट मैं मान तो थी सबसे बड़ी दुश्मन ये है। हम ट्रैक्टर वाले ही लग रहे हैं वैसे इस होलिये में। फाइनली हमारी बारी आने वाली है। हाँ हमारी बारी है। फातिमा राजपूत का व्लॉग चल रहा है, आप मुझे जानती हैं। फातिमा आपको आपकी फैन मिल गई है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हमारी यूनिवर्सिटी में है स्प्रिंग गाला, तो उसकी तैयारियां हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी स्टॉल्स लग रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं गाइज। अभी यहाँ पे तैयारी हो रही है, स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं और झूले। तो मैं देख रही थी कि एक वो वाला जो झूला है ना, वो भी चल भी गया, लेकिन लड़कियां सुबह सुबह यार झूलों पे कौन बैठना है। मैं तो सबसे पहले आई, मेरे बाल खुले हुए थे, बट इतनी गर्मी है यार, मुझे बाल भागने पड़े। और सबसे पहले मैंने आके यहाँ पे नाश्ता किया, क्योंकि मैं आज कुछ खा तो नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी तैयारी हो रही है, मतलब स्टॉल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, एक इस साइड पे और एक अभी दूसरी साइड पे भी। आज तो मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ही मजा आने वाला है। और अभी मेरी फ्रेंड नहीं आई है, क्योंकि वो घर में है और वो उसको सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे तो कहीं भी कोई कुछ भी होता, मैं सतना सवेला उठ जाती हूँ, लाइक बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। तैयारी भी तो करनी होती है, मुझे इतनी खुशी होती है यार यूनिवर्सिटी आते हुए, तो वैसे भी मुझे इतनी खुशी होती है। आप मेरी तैयारी से देख सकते हैं, ये देखिए डिफरेंट कैरेक्टर। ये गाइस पीछे तक आ रहे हैं, गाइस गाना स्टार्ट हो चुका है। आपको आते हैं मैं इतनी देर से बैठी हुई थी अंदर, तो बहुत तेज धूप थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था। और समरीन अभी तक आई नहीं है, 12 होने वाले हैं, इतनी बदतमीज है, 10 बजे मुंह उठा के उठी है। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं इतनी तेज धूप है, मैं आपको स्टॉल दिखाती हूँ यार। यहाँ पे सारे कपड़े ही हैं, और मतलब के ये देखें आप, ये यहाँ पे कपड़े ही कपड़े हैं जो कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो हम चलते हैं दूसरी साइड पे, वहाँ का ना यहाँ का डेकोर अच्छा हुआ है, स्टॉल इतने अच्छे नहीं है। दूसरी साइड पे मतलब ना डिफरेंट कल्चर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके वो स्टॉल लगे हैं। तो हम अभी वहाँ पे चलते हैं, पहले मैं गई थी बट तब वो सेटअप कर रहे थे, तो इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रही थी, ये देखेंगे इन लोगों ने इतनी धूप में तैयार किया यार, देख सकते हैं कि मतलब ऊपर से सूरज ये पड़ता है। अच्छा वैसे अभी समरीन आ गई, मेरे से कॉल पे बात हुई थी, तब उसका इंतजार करना, फिर हम आगे चलेंगे। 12 हो गया यार, इतनी धूप में मेरा तो जाने का कहीं दिल भी नहीं कर रहा है। हालत देख सकते हैं, मैंने बाल भी बांधे हुए हैं इतनी गर्मी में, हालांकि मैं बाल खोल के आती हूँ, बट आज इतनी तेज गर्मी थी, मैंने कहा मेरे बाल खराब हो जाएंगे यार। बिल्कुल भी बनानी होती है, तैयार होकर पिक्चर ना बनाओ तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। मैं तैयार होकर हूँ और मैं पिक्चर ना बनाऊँ तो अभी ठीक है गाइस, अभी वो आ गया तो इसके बाद हम चलेंगे स्टॉल देखने। मम्मी डैडी बच्ची बनी हुई है, पहचानी नहीं जा रही। पहचानने नहीं, हाँ मुझे एक आंटी भी कहती है बड़ी प्यारी लग रही हो, कहती है माशाल्लाह लग रही हो। आप देख सकते हैं ये इतनी तेज धूप में हम लोग यहाँ एडमिन आए हुए हैं, कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग नहीं है, मतलब हम तीनों ही वहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं। और समरीन की वजह से हम एडमिन में धूप में खुआर हो रहे हैं, वो आगे भाग रही है पागलों की तरह। चलते हैं अब आगे, काम शाम खत्म करके फिर फौरन से जाएंगे कुछ ठूसेंगे। अच्छा गाइस, तो अब हम लोग एडमिन से अपना काम खत्म करके आ चुके हैं और अब हम लोग वॉशरूम में हैं। कि आप जैसा कि देख सकते हैं साइड में, यहाँ पे जरा मैं दिखाऊं गाइस, ये हालत बहुत ही बिगड़ी हुई है, क्योंकि धूप में हम बाहर थे, फिर के काले हुए हैं। यहाँ से ये दिखता है सारा, ये जो झूले वगैरह लगे हुए हैं ना, इसके बाद हम भी इस सड़क की धूप में इन लोगों के साथ शामिल हो गए, क्योंकि अब हम हो गए थोड़ा सर्वे। और मैं सोचू इसमें थोड़ी सी पिक्चर बना लो, फिर इसको उतार के देना अपने फिलिये में, आप हम बैठ जाएंगे, फिर खेलेंगे। और ये देखें ये मेकअप है। अभी हम यहाँ बैठ के चार्जिंग लगाने लगे हैं, बट ये हीट अप हो रहा है, तो अब चार्जिंग लगाने का वेट करें, चार्जिंग होगी फिर हम जाएंगे बाहर और फिर हम जाके कुछ खाएंगे। सुबह से हम ऐसे ही घूमने हैं, और अभी 3 होने वाले हैं, सिर्फ एक बिस्किट और एक जूस पे गुजारा हो रहा है सुबह से। हाँ बताओ, ये है थाई फूड सारा,
और अब हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से क्या लें। यहाँ पे मोमोज हैं बट वो हमें मोमोज पसंद नहीं है, तो समरीन क्या लेना है? हम ये लेने लगे हैं दिस वन होते फूड सुकीरो। यू आर सेइंग दैट वाज फेमस? शुक्रिया सिस्टर। हाय नूडल्स, गिव मी वन मोर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। कितने अच्छे हैं ये लोग। हाँ माशाल्लाह। हम लोगों ने आपस में कभी एक दूसरे को अल्लाह हाफिज बोला? मैसेज सामने छोड़ो, मैसेज में भी नहीं बोला है। कॉल पे कभी कभार बोल देते हैं यार, बोल देते हैं कॉल पे। आओ भी पहले खा लेते हैं, ठंडे हो जाएंगे यार। गाइस अब हम ये ठंडे बोले, ठंडे बोला है ना, ठंडे बोला है। ये फोन पकड़ो ना, हेलो मर्ची। कितनी बदतमीजी है यार ये। मर्चे ना डालना, मर्चे यार डालती हूँ ना। पकड़ो ये, क्या ये अंडा सा लग रहा है कुछ। ए ची चूचा यार, अब इधर से जाने ना, पाकिस्तानी कुछ ले लेना। मुझे यही भूख लगी हुई है, मुझसे ये काम नहीं होते। ये अंडा मैं नॉट दैट गाइस, अच्छा है वो, कह रही थी अच्छा है, बट मैंने भी बताना था अच्छा है यार। हाँ अच्छा है, पहली चीज ली है वो अच्छी। अब हम चलते हैं आगे। देखा होगा कि सुबह कितनी ज्यादा रश थी और अभी कोई भी नहीं है, मतलब कुछ लोग हैं हमारी तरह जो लेट कमर्स हैं, इनकी तरह यार। अभी इस तरफ खाने का भी कुछ नहीं है, उस तरफ चलो। भूखे अचानक से लगती है, अभी चली भी जाती है, ड्रामे करती है हमें। हम सुबह के धुए में घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं खाया यार, बता रहा मैंने सिर्फ बिस्किट खाया है। उर्दू का नहीं, पंजाबी है, धुए हुए भूखे हुए हुए हैं, जो खाने को देख के टूट पड़ते हैं। और उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, दोम बाय जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि सब स्टॉल्स का मतलब मैं बाद में दिखाऊंगी कि लोगों ने क्या क्या कुछ किया, और वो भी मुझे कह रहे थे कि अभी हम सेटअप कर रहे हैं तो आप बाद में आना। और हम इतना बाद में आए हैं कि अब ये देख सकते हैं कि ये सब कुछ हो गया है खाली, और ये सब कुछ हुआ है इस चावल की वजह से। ये देखें, ये सब कुछ खाली हो गया यार। अब हम खाने वाली साइड पे जाएंगे। ये लोगों ने कुछ मट्टी सा लगा के कुछ किया था। देखिये ये था कल्चरल फेस्टिवल था, खैबर पख्तूनख्वा बलोच कल्चर, और यहाँ पे था सिंधी, और यहाँ पे था चाइनीज कल्चर, जो कि अब आपको नहीं दिखेगा। अभी मुझे एक चीज दिखी, अब हम वहां चलेंगे। ओए सुनो समीर, आगे इधर चलते हैं। हाँ गाइस, ये छोटी सी बच्ची जहाँ बैठी थी ना, ये हम यहाँ पे बैठ के हम चुका खाएंगे, छोटे पिक्चर बनाएंगे और फिर हम कुछ खाएंगे। देख सकते हैं कि हम कहाँ पहले बनाओ, जल्दी बनाओ। गाइस अंकल आ गए हैं और हम होने लगे हैं, अब हम उतरने लगे हैं। कितने वो लग रहे हैं गंदे, हम ट्रैक्टर वाले ही लग रहे हैं वैसे इस होलिये में। तुम ये व्लॉग में डालोगी? हाँ ना, सही सी बात है, चलते हैं। मेरा वैसे दरी कब आए, आप जो भी काम करने जाए ना तो अंकल सीटियाँ बताते हुए आ जाते हैं यार। गाइस जितने डिफरेंट कल्चर्स थे ना, जैसा कि एक सेकेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स थे, हिंदू बोलने लगी थी, सिंधी बलोची और भी जो भी थे, तो भी एक और कल्चर को ये रिप्रेजेंट करेगी। हाँ समरीन चलो एक्टिंग नहीं करो, इज्जत से इधर आ जाओ। इधर आओ, सब ये देखो, अगर हम लोग हिंदू होते तो मैं सदा तुम्हारी इसकी चीता जलाती, मुझे पूरी आ जाती। मैं ये सोचती थी कि जब फातिमा फौत हो जाती, अगर से बिलोंग करती और फातिमा फौत हो जाती, और ये गलत सोच रही थी ना, ये मेरे बारे में गलत सोच रही थी ना, इसलिए ऐसा इसके साथ हुआ है। मैं रोती 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 पहले उसने मटका तोड़ते हैं, फिर ऐसे चिंता जलाती, चिंता होती है ना, फिर मैं ऐसे ऐसे करती, चिंता नहीं चिंता, फिर ऐसे जलाती, फिर तुम ऐसे फेरे होती, फिर तुम जल जाती यार। हो गया चावल, अब गए हम इस झूले पे बैठने लगे हैं। फाइनली हमारी बारी आने वाली है। हाँ हमारी बारी है। फातिमा राजपूत कवि लॉन्च चल रहा है, आप मुझे जानती हैं फातिमा, आपको आपकी फैन मिल गई है, और आप ये मोनी बना निकाह वो मां सारी दोस्त है। हां यार जान छोड़ो मेरी, किसी खाई में होता है ये जगह, सबसे बड़ी दुश्मन ये है यार। उतर आओ ना गाइस, मैंने भी बनाया। गाइस फाइनली जिसके लिए हम इतना रो रहे थे कि हमने कुछ खाना है खाना है खाना है, हम उस साइड आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि आवाज जाती है यार, अच्छी यार। तुम मुझे हर व्लॉग में यही समझा रही हो, ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो फातिमा ऊंचा बोलो। ओके ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं जिसका हम सुबह से इंतजार कर रहे थे। बताया कि तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, बहुत बदतमीज है ये। आप लोगों ने देखो मुझे बोला था ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो। अच्छा खैर हम लोग इधर आ गए, खाली होने की वजह से शॉर्ट हो रही है यार, बहुत भूखी हुई हूँ मैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। गोलगप्पे खाएंगे, गर्मी है यार। और गाइस हम लोग लेंगे 3 प्लेट्स और फिर रेस लगाएंगे कि देखते हैं कौन किसी और को पकड़ाएंगे। हाँ ठीक है, कोई हमारे लिए खड़ा रहेगा और हमारा शुगर देखेगा। यस
चलते हैं अभी गोलगप्पे लेते हैं। और इन लोगों ने तो अन्य मिठाई भी होगी कि महंगाई कहेंगे, पता नहीं कितने महंगे होंगे। पहले ये तो पूछेंगे हैं कितने के, इनको बोलेंगे कि वो स्पाइसी है कि गोलगप्पे के हैं कितने। अंकल कितने की प्लेट है? 150 की प्लेट और 12 200 ओके 150 तो लेते हैं ना। अब अच्छे किसके होंगे? अंकल के गरीब अच्छे होते हैं। तीन प्लेट्स करने और स्पाइसी करने हैं तीनों, ज्यादा सारी मिर्चे। अच्छा ये हमारे गोलगप्पे रेडी हो रहे हैं गाइस। ये ये पहली तो नहीं खा ली है। गाइस जैसा कि आपने देखा होगा कि वीडियो में कौन जीता है, वो वीडियो में ही दिख रहा है कि कौन जीता है। मुझे तो ऐसा शक हो रहा था समरीन पे कि इसने पहले एक गोलगप्पा खा लिया। और जो जीता है वो कुछ खिलाएगा भी तो सही। ये आप नेक्स्ट में करेंगे। जो जीता है वो खिलाएगा। समरीन फातिमा जीती है। हाँ मैं जीती हूँ बट खिलाने वाली बात नहीं हुई थी। हेलो गाइस अब हमने लिए हैं ये और अब हम ये पियेंगे। दे दो ना, ये भूखी दे ही नहीं रही है। प्यास लगी हुई है, कह रही हूँ मुझे दो अभी वाला। मुझे भी है, तुझे अब ये वाला दे। आधा पी गई है वो। बिरयानी ली है और हमें बिरयानी में चिकन नहीं मिला, ये देख सकते हैं आप। राइट एक मिनट, मेरी प्लेट पकड़ लो यार, गिरी रह गए। हमने पहला खाने का लिया और वो भी हमें कुछ अच्छा नहीं मिला यार। पेट खाली था और इतना गंदा सा मिला है। और अब सब लेने के क्या बोलते हैं? अब हम ये सूखी बिरयानी खाएंगे, वो भी ना रायता है ना सलाद ना कुछ, चिकन भी है। हाँ वही तो मसला है। इतनी धूप में पता नहीं ये लोग कैसे झूले खा रहे हैं। मतलब के ये तो दिल मर गया, अब मेरे बाल भी खोल रहे हैं यार। मैंने कहा मेरा दिल था यहाँ जाने का, बट यहाँ पे देखें यार इतनी धूप है। इतनी धूप में बंदा क्या इंजॉय करे। खाने का इतना शोर है यार, मेरी आवाज जा रही होगी यार। मेरे खाने का इतना गंदा का सिस्टम है, मतलब कुछ भी टेस्ट है ही नहीं। सब कुछ ठंडा हो गया तो हम लोग देख रहे थे। तब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। हमें आपको हमारी यहाँ पे लोगों ने ये आंटी वो मुझे देख रही थी। खैर अब हम चलते हैं यार। एंड पे मैं कह रही हूँ गोला खाएंगे, बस गोला मेरा फेवरेट है, उसको खाएंगे। तो हम इस सारी फजूल जगह से ना निकल के बाहर आ चुके हैं। इतना कोई शोर था यहाँ पे, इतनी धूप थी और इतना गंद था कि बस अब हम यहाँ बैठ के ना और अब हम यहाँ बैठ के बस अब अपनी वीडियो बनाएंगे यार। मैं इतना खुश थी कि इतना मजा आएगा, बट यहाँ पे कहाँ कोई। हाँ तो अब हम यहाँ पे बैठ के वीडियोस बनाएंगे और मैं इतना थक गई हूँ सुबह के आई हूँ। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मतलब बहुत मजा आएगा। लास्ट टाइम एक्स्ट्रा गंगा में बहुत मजा आया था, बट यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। एक तो खाना भी कुछ मतलब मजे का नहीं, ऊपर से ये जो सारे झूले लगे हुए हैं ना सब धूप में है। मतलब ये देखो यहाँ कितनी अच्छी छांव है, यहाँ पे ये लगा नहीं सकते थे। और यहाँ पे ये जो हमारी यूनिवर्सिटी वालों का एक आदत है ना, लाइक गर्मियों में ये दरख्त काट देते हैं, कहीं पे भी छांव मिली हो ना उसको काट देते हैं फजूल चावल से। गाइस हम लोग दोबारा आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं लाइक दिल थोड़ी कम होगी, हमने सोचा कि थोड़ा फ्रेश होके आ गए। इसने मुझसे पैसे लिए यार, कितनी भूखी है, कमाती है और पैसे मुझसे ले रही है, मुझ गरीब से। खैर अभी हम झूलों का टिकट लेंगे, हम ये वाला झूला लेंगे क्योंकि ये वाला सबसे ज्यादा तेज चलता है। और कुछ मीठा खाएंगे क्योंकि यहाँ का तो नमकीन है ना, मसालेदार चीजें हैं, बहुत ही गंदी है, हमारे लेवल की नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है यार। ऊपर से ठंडी भी हो चुकी है। तो हम चलते हैं, कुछ मीठा लेते हैं और फिर हम ये वाला झूला खाएंगे और फिर हो जाएगा बस का टाइम, तो फिर हम चलेंगे घर। तो हमने अभी ये ले लिया है और अब हम ये खाएंगे और फिर जाएंगे इतनी सारी रश में हम जगह लेने झूले की। और ये हमें दिया है
इस लड़की ने खूबसूरत है खा के घूम के चलेंगे। समरीन पहले ये खाए। हम लोग झूले पे बैठ चुके हैं और आपको मैं व्यू दिखाती हूँ। ये देखें हमारी यूनिवर्सिटी में ये इतना मेला सा बना हुआ है और यार यहाँ पे कुंडी भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं है छोटा। हम यहाँ से गिर गए ना तो फिर बचेंगे नहीं। और ये देखें ये इतना सारा गंद आवाम ने मचाया हुआ है। हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ से सारी दिख रही है खूबसूरती यूनिवर्सिटी की। और यहाँ से अब हम लेंगे यार, बड़ा मजा आ रहा है यार। शुक्र से धूप में ही बैठे थे, धूप में बैठते ना तुम पिघल जाते। सलाम ही दे अंकल। हाथ नीचे करो, रुको, ये जाहिर क्या कर रही है, हाथ नीचे करो यार मुझे डर लग रहा है, ऐसे दफा हो जाओ। मैं जाती थी तुम्हें वो देखो हॉस्टल की डेथ, हॉस्टल की डेथ कह रही हूँ, हॉस्टल की छाती। यार ये जगह इतनी प्यारी है, यहाँ से एक दफा गई तुम इस तरह गई थी, हम तो भाषा के साथ गए थे। अरे अभी चलेगा ना तो हवा भी लगेगी, जंगली हवा लगेगी तो बाल भी उड़ेंगे और बाल उड़ेंगे तो ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। हो रहे यार मैं कितना वो कर रही हूँ, ओवर रिएक्ट कर रही हूँ यार, मुझे भी ले आओ। ओह माय गॉड, यार क्या चीज है अंकल, तेज चलाए अंदर से, छुचे अंदर से सांस निकल रहा है बट अंकल तेज चलाए यार, ये साथ का ही रहे हैं तेज हुए यार। ये अगर निकल जाए तो, ये अगर निकल जाए शाम निकल खुदा ना को तुम ऊपर ही ऊपर ही अड्डा साइड दो। अल्लाह ना गया फरिंदा, कैसी बातें कर रही मैं, ये इसके दरवाजे भी नहीं है, इधर से हम यूरा के नए तो इसके कुछ भी नहीं है। अभी मैं सोच रही हूं दूसरे में भी बैठी जाते, कोई की हमारी जिंदगी है। हाय मामा, यार मुझे डर लग रहा है, कसम से डर लग रहा है, मैं हाथ कैसे पकड़ लिए। नहीं मतलब मुझे डर नहीं लग रहा, बस बस मैं अब नीचे जा रही हूँ यार, बस हम ऊपर रुके खत्म, लोग ऊपर रुके, हम ट्राई करेंगे डोनट वो ले लो। नहीं बस इतना ही यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टी कुछ भी नहीं था, सब चीजें सॉस हुई थी और एक्स्ट्रा मीठा है, कच्ची चीनी है, ये मैं नहीं खा रही हूँ, मैं जाया नहीं करो, बस इधर आ गई है यार इलेक्शन के वो है ना, बस अब हम जा रहे हैं, ज्यादा होगा क्योंकि दिन को कोई भी नहीं गया, अब हम जा रहे हैं बस की तरफ। और ऑनेस्टली हमें आज मजा बिल्कुल भी नहीं आया, आया यार नहीं एंड पे आया है, झूले में आया बस, इतना बोलो क्या बोलूं यार, धूप इतनी तेज थी तो मतलब मजा वैसे वाला नहीं आया जो लास्ट, बाकी ब्लॉगर्स की तरह झूठ बोलो ना, आई मीन ये भी मजा आ रहा था, मजा आया समीन। अच्छा ये सच ही बोलना था, बुरा भी नहीं था इतना, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, आई डोंट नो क्या कह रहे हैं, हम सच्चाई मंजर आम बना रहे हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हम सच्चाई मंजर आम कमले मार रहे हैं ये, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके अच्छा गाइस, तो मैंने एंडिंग के बाद वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मैंने पियर्सिंग करवा ली है, नहीं वापस करना, मेरे पास मैं ले जाऊं वापस करो, मुझे मैं पूछना चाह रही थी व्लॉग में, तुम देखो आई नो कि तुम बहुत कंफ्यूज हो रही हो, मेरे शूज पे जाना होता तो मैं इन चीजें पहन जाऊंगी, चलो तेरे शूज। गाइस मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने पियर्सिंग करवाई है, तो आप लोग बताना कैसी लगी, कि पहले मैंने वो डाला हुआ था नोज पेन, वो जो कैंपेन वाला व्लॉग था उसमें बहुत बहुत प्यारी लग रही थी वो, तुमने देखी होगी, तारीफ में खुद कर रही हो, मुझे शर्म होनी चाहिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं ना तो क्या करूं। खैर गाइस आप लोग बताना, आई नो डेली वापस ले लिया जंगली ने इस वजह से।